विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में रविवार की छुट्टी के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माताजी के दरबार में हाजिरी लगाई, हवन यज्ञ किया और कन्या पूजन करके अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। हालांकि इस रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी नजर आई। मंदिर से लेकर फ्लाईओवर तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों को भी भीड़ पर नियंत्रण कायम करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ दोपहर के बाद ज्यादा उमड़ी और भीड़ पर काबू पाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को इस सर्दी के मौसम में भी पसीने छूटने लगे। श्रद्धालुओं को सुरक्षा कर्मी के द्वारा छोटे छोटे ग्रुपों में मंदिर भेजा गया, जिससे भीड़ पर नियंत्रण बना रहा और श्रद्धालु भी आराम से माता के दर्शन करते रहे। हालांकि इस रविवार को एकाएक श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से व्यापारी वर्ग काफी खुश नजर आया। बाजार में भी चहल पहल देखी गई। हालांकि मंदिर न्यास के अध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा ने बताया कि मंदिर में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली व अन्य प्रदेशों से काफी संख्या में श्रद्धालु माताजी के दरबार में पहुंचे हैं और उनकी सुख सुविधा के लिए मंदिर न्यास के द्वारा पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी एवं होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में नैना देवी के दर्शन किए, पूजा की, यज्ञ किया और माता रानी ने उनकी मनोकामना पूर्ण करे और हर साल इसी तरह वो माता जी के दर्शन के लिए आते रहे, माता उनकी मनोकामना पूर्ण करे।